हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थानी ग्रीन लंबी फलियों की चटकदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत तीखी और चटपटी सी ये वाली रेसिपी बनती है, बहुत ही पसंद आने वाली है आप लोगों को। सब्जी हम हमेशा बना के खाएं इसकी, चलिए आज इस रेसिपी को भी ट्राई करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमने हरी लंबी वाली फली ली है 250 ग्राम, 6 से 7 लाल तीखी वाली मिर्च ली है और 1 लहसुन लिया है जिसका छिलका हम उतार लेंगे। और देखिए फलियों को अच्छे से धुलने के बाद उसे इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हमने गैस पे एक लोहे का तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। इस रेसिपी के लिए लोहे का तवा ही लें आप, अगर नहीं है तो आप नॉनस्टिक भी ले सकते हैं और लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास हो तो वो भी चलेगी। तो यहाँ पे तवा गर्म करने के बाद हमने जो फलियों को कट करके रखा था उनको ऐड कर दिया है और करीबन 10 से 12 जो लहसुन की कलियाँ निकाली थी हमने उनको भी ऐड कर दिया है। लहसुन थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें। और फिर 6 से 7 हरी मिर्च ली थी हमने, उसको भी ऐड कर दिया है हमने। अब गर्म तवे पर इसे करीबन 1 मिनट के लिए हमें इसको इस तरीके से सेंक के लेना है। अब उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। और इस तरीके से इन सब को हम अच्छे से अब मिला लेते हैं और तवे पे इन सब को हमें बहुत ही अच्छे से भून के लेना है ताकि जो हमारी सारी फलियाँ हैं बहुत अच्छे से कुक भी हो जाए और इन पे हल्की हल्की सी एक चित भी आ जाए कि तवे पे बहुत अच्छे से सिक चुकी है ये। तो इस तरीके से मिलाते हुए हमें करीबन गैस के मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट का टाइम देके इन सब को हमें अच्छे से सेंक के लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी फलियों ने कलर चेंज कर लिया है। अच्छे से इसे आप भूनने दें तभी हमारे इस रेसिपी को बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी चित्ती हमारे फलियों पर लगने लगी है। इसी तरीके से हमें फलियों को बहुत अच्छे से सेंक के लेना है। लोहे के बर्तन में आप इसे बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से भुनेंगी और हमारी रेसिपी को बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। और अभी सीजन भी है इस फलियों का तो इस रेसिपी को ट्राई करें। तो देखिए सारे भुन जाने के बाद उसे हमने मिक्सर जार में ऐड कर लिया है थोड़ा ठंडा होने के बाद, और ऊपर से थोड़ा सा हमने हरे धनिया को ऐड कर लिया है। और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, अब इसका एक आप पेस्ट बना लें मिक्सर जार में। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल बनके तैयार है, तीखी चटपटी चटकदार एकदम तीखी सी चटनी। देखिए किस तरीके का टेक्सचर मिला है हमारी चटनी को। चावल के साथ, रोटी के साथ, दाल रोटी के साथ इस चटनी को आप सर्व करें, सभी घर में बहुत पसंद करने वाले हैं। तो आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करना है फ्रेंड्स और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।